अरे पागल, इतने खूबसूरत दिन को छोड़ के कोई दूसरी को क्यों बताएगा? तुम कम हो गए किसी से? कहने को है सब कुछ, जब अच्छी अच्छी मिलती है ना तो बीबी भी घर की पूरी हो जाती है। जैसे कि बाहर की बिरयानी जब अच्छी हो तो घर की दाल चावल भूल जाता है आदमी। मैडम जी, तुम भूल रही हो दाल चावल के बारे में। हमने आपसे लव मैरिज किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो है, लेकिन बिरयानी की तरह टेस्ट नहीं आया तो दाल चावल की। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, अगर तुम ऐसी बातें करोगी ना तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अब जाओ अपने टाइम। हाँ, अपना ख्याल तुम रखेंगे। अरे ऐसे फल में जो रखते थे उसके अंदर तुम ख्याल रखती हो। लेकिन मैं जा रहा हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। उसको मुझे अपना छोटा उसे बोला कि कॉलेज टाइम से है, और अगर उसके पढ़ाई में इस बार नंबर कम आए तो उसे बहुत पीटूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं जरूर। हाँ, चलो। तुम भी जाओगे क्या मेरे साथ? नहीं नहीं चल लो स्टेशन पर। क्यों? और क्या पता रास्ते में पटा ले। चलो चलो। ओके, सुनिए ना, जल्दी आना। जाइएगा, फोन कर दीजिएगा। अच्छा, वो भी बिना मिले हुए हमसे। अरे छोटू, मुझे लगा कि तू सो रहा होगा ना, डिस्टर्ब क्यों करूं। वैसे भी तू कितना पढ़ाई करता है, पर एक बार यार देखो, पढ़ाई इस बार अच्छे से करना और अच्छा नंबर आना है, फर्स्ट आना है तुझे। अब टेंशन मत लीजिए, ऐसे पढ़ाई करो ना, कुछ होगा पर फर्स्ट नंबर आएगा। आप जाते ही फोन कर दीजिएगा और टाइम से खाना खा लीजिएगा और दो बजे के अंदर आ जाइएगा। ठीक है, अपनी भाभी का ध्यान रखना। जरूर। तो बुरे में छोड़ के आओ। अरे नहीं, मेरी बात नहीं। तुम्हारा ये बताइए, लोग विदेश जाता है तो दुखी होता है ना, आप तो सही हो, क्या बात है? नहीं, रो के भी क्या फायदा, खुशी खुशी भेजेंगे तो खुशी खुशी वहां काम करेंगे। ये तो बात सही है, लेकिन ये बताइए कि आपको मन कैसे लगे? वो तो है, लग जाएगा धीरे धीरे। अरे कैसे लगा है, शादी हो रहा है। अरे आप लोग हो, मम्मी पापा हैं, फैमिली है, लग जाएगा। अच्छा, पता है मेरा सोच क्या है? हाँ, मेरा सोच इतना है, सोच रहा हूँ सारे का सारे घर को ना 6 महीने तो घर से बाहर ही होगा। ऐसे मत बोलिए बेटी, आप कभी बताएगा आप? अभी से एक चलो, आप तो भाभी अकेले रहेगी है ना, लेकिन यार एक दिन भाभी को देखा था ना किस तरीके से, मन तो कर रहा अभी इसको दिखाई दो वाला वीडियो। चलो कोई ना, भैया तो आज के लिए तो गया गया, आएंगे तो एक साल बाद ही, कब तक मुझे बहुत मौका मिलेगा भाभी से बातें करने का। इसको सेट करूँगा पहले ट्यूशन से आके। अरे भाभी, भाभी जी। अरे हाँ हाँ पापा, लेके आई बैग। अच्छा, इतना टाइम लगता है क्या मम्मी, बताइए? अंदर से लाने में टाइम लगता है जी। कोई ना, अपना ख्याल रखिए, अभी तो जा रहे हैं। हाँ।
वो तो रखो ठीक, इसमें नया क्या है। चलो एक घंटे बाद अपने पति जी को फोन करेंगे, हमें तो कुछ सुकून मिला घर के कामों से, थोड़ा आराम करो फिर उठूंगी तो फोन करेंगे। हेलो हेलो, ट्रेन मिल गया आपको? अरे हाँ मिल गया, तुम परेशान मत हो, सीट मिली ना, बैठ गए ना आराम से? हाँ हाँ आराम से हूँ। अरे हाँ टाइम से खाना खा लीजिएगा। अरे हाँ बाबा हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा अपना, तुम टेंशन मत लो, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, फिर रखती हूँ। ओके पढ़ाए तो पूरा हो गया आज का, बस आज यार मैं सोच रहा हूँ मेरे दोस्त ने सब बताया है कॉलेज में कि भाभी को आज जाके बताएंगे ओके कर, अब ये सोच रहा हूँ भाभी गुस्सा ना करे, लेकिन चलो उसने भी तो अच्छा ही राइट दिया मेरे दोस्त ने, ये सोच रहा हूँ भाभी अगर भेजा को बता दे तो दिक्कत हो गई क्या, हाँ दिमाग खराब करना है भैया बोल के तो पढ़ाई भी पूरा चलता है, पढ़ाई का ठंडा कर लो सही से, हाँ बताओ भाभी को दिला के है ना, लेकिन कोई बात नहीं आप तो पढ़ाए तो बात नहीं करवा सकती मेरे से, आज जाके दिल खोल के बात करता हूँ भाभी से, जो होगा देखा जाए। भाभी भाभी, हाँ देवर जी बोले, आप भी ना कितना सोते थे नहीं लगी आप हमारे प्रियत बात किया बोले, अच्छा भैया पकड़ लिए पढ़ाई, हम अभी तो भैया कहाँ पहुँचे होंगे, अभी तो बात किया है वो नहीं लेके गए, अच्छा हम ट्रेन से दिल्ली पहुँचे बस, हाँ वो भैया अभी तो बहुत दूर है अभी लेट जाना, कोई बात नहीं सुनिए ना भाभी आप से ना कुछ कहने का था, देख लीजिए पहले गुस्सा तो नहीं है ना, वो क्या है ना मैं सोच रहा हूँ ना चलिए थोड़ा हम दोनों में आप दोस्ती कर लेते हैं, अरे उस टाइप का समझ लो आप, देखो समझदार हो जाना समझाना पड़ेगा आपको, मैं भी काफी दिन से ही सोच रही थी ताकि भैया तो चले गए मैं अकेले क्या करूँगी, तो क्या बात कर रही हो पक्का आपका मन में था ये बात, बहुत दिन से था लेकिन मैंने आपसे बोला ही नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखिए मैं बहुत सोच रहा था आज हो गया तो आपके दिल का बात बोल दिया, नहीं बोल से आप छुपा क्यों रखे थे, तुम्हारे भैया बहुत खतरनाक थे तो उनसे डरते थे, अरे तो मैं भैया बताऊंगा तब ना, वो तो बात सही है ठीक कोई बात नहीं मैं भी नहीं बताऊंगी, देव जी अभी खुशी की बात ये है कि आप भी हमसे प्यार करते हैं और हम भी आपसे, किसी भैया को क्या बीच में लाना, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको तो पता है मैं तो आपको कब से देखा था, पूछे मत मैं से तो पूरी रात नींद नहीं आया, भैया बोल लेंगे ना पढ़ाई करना अच्छे से, आप भी पता है प्रसन्न आया कुछ नहीं किया, अच्छा अरे कुछ लिख के दे रहे मास्टर आपका कहानी लिखा था
और आप यही करते हो। अगर आपके भैया पूछेंगे तब क्या कहेंगे आप? अरे हाँ मैम, लेकिन आप तो हम दोनों मिल गए तो आप मन कर लगे और आप तो मन लग गया हमारा। क्यों नहीं, मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी। अच्छा नहीं, इतना मत पढ़ा दीजिएगा कि मतलब फेल हो जाए। उसमें पास आना है। हाँ ये तो है, हमारी पढ़ाई ऐसी है कि आप पास हो जाएंगे और आपके भैया भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं वो देखना है तो वो आप किस तरीके से पढ़ाते हो। मेरी पढ़ाई तो ऐसे है कि मैं आपको भी पढ़ा सकती हूँ, आपके भैया को भी। और तो आप पढ़ाइए मुझे किस तरीके से आप पढ़ाते हो, हम भी देखें। ये तो है भैया जी। हाँ। पढ़ाते हैं हम आपको। कब भाभी? अच्छा ऐसे पढ़े तो? अरे ऐसे मत, ये देखिए मुझे ना किसी और तरीके से पढ़ना है। अच्छा हाँ, और आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं कौन से तरीके से बात करता हूँ। सही बात है, ये तो बात आपने सही की। आपको भी मालूम है कैसे भैया आपको पढ़ाते हैं, आप भैया को पढ़ाते हैं, है ना? उसी तरह आइए हम भी पढ़ लेते हैं।